आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्ट्रेस किस तरीके से हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, किस तरीके से हमारे वेट को इफेक्ट करता है। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, अब तब हमारे एंटीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। जब हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है, और जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है उस वक्त हमें मीठे की क्रैविंग या चटपटी चीज़ें खाने की क्रैविंग, तली हुई चीज़ें खाने की क्रैविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्ट्रेस में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उस वक्त हमारा दिमाग हमें सिग्नलाइज भी नहीं कर पाता है कि हम जो खा रहे हैं ये हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो एक तो ये रीज़न हो गया हमारा वेट बढ़ने का। दूसरा क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत तनाव में होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस वक्त हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। हमारा मन करता है कि सिर्फ एक जगह पे बैठे रहें या चुपचाप से अपने बिस्तर पे लेटे रहें, किसी से बात ना करें। ये भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कोई भी एक्टिविटी करने का, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, और अगर हम किसी काम को करते भी हैं तो हमारी बॉडी हमें उसके लिए सपोर्ट नहीं करती है। जब हम एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी की हम कमी महसूस करते हैं, तो इससे हमारे इंटरनली जो प्रोसेस है, जैसे हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है या हमारा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, वो स्लो हो जाता है, और जो हमारी नेचुरली कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। फिजिकली एक्टिव होने की वजह से जो हम अपने डेली के काम करते हैं, हम वॉक करते हैं या फिर जो हम चलते फिरते हैं, उससे जो हमारी कैलोरी बर्न होती है वो भी हमारी बर्न होना कम हो जाती है, यानी कि खाने की जो क्रैविंग है वो इंक्रीज हो जाती है और एक्टिविटी लेवल हमारा डाउन हो जाता है। इस वजह से हमारा वेट लगातार इंक्रीज होता रहता है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को रिलीज नहीं होने देता है, स्टोर करके रखता है, और जब हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो खर्च नहीं होती है तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती जाती है, जो धीरे धीरे हमारे वेट गेन का कारण बन जाती है। स्ट्रेस ना सिर्फ हमारे वजन पे असर डालता है बल्कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा फेस का ग्लो चला जाता है, हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग सब पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे ब्रेन को जो सिग्नलाइज करने की क्षमता है वो भी रिड्यूस हो जाती है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या अपने आसपास उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। आप म्यूजिक सुन सकते हैं या अपनी पसंद का कोई भी काम करके अपने दिमाग को उसमें एंगेज कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।